भाई ये एक तरह का कहना चाहिए कि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है ये फिल्म जो है, जो और लव स्टोरी है। तो उसमें जो है जो ऋषिता जी हैं अपनी वो प्ले कर रही हैं, वो साइकोलॉजिकल जो कैरेक्टर है जो अपने रूप बदल लेता है ऐसा, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में जो खलबली मचती है। तो वो एक ऑफिस में काम करती हैं, उसके अंदर जो उनके जो बॉस हैं उसका एक कैरेक्टर जो मैं कर रहा हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे कि जो आपका किरदार है कितना प्रभाव छोड़ेगा फिल्म पे, मतलब कितना? वो फिल्म में इम्पॉर्टेंट है क्या, क्योंकि वो जो मेन कैरेक्टर हैं ऋषिता जी, उनके ऑफिस में वो काम करती हैं। तो आपकी ज़िंदगी में जो आपके जो बॉस होंगे वो आपकी ज़िंदगी में कुछ तो प्रभाव छोड़ते होंगे ना लाइफ में। कभी तो आगे आपने अपनी बीवी को डांटा होगा, उनका कुछ साउंड पे निकाला होगा ना, तो प्रभाव तो पड़ता ही है ना। क्या बहन जी, बाप बॉस का गुस्सा आगे बीवी भी निकाल दे, प्रभाव जो पड़ता है तो वो तो पड़ता ही है। जो ऐसा ही कुछ इसमें स्टोरी में पड़ा ही होगा। सर ये जानना चाहूँगा, जो वेरिएबल कैरेक्टर प्ले करते हैं कैसे अडैप्ट करते हैं उस कैरेक्टर में, क्योंकि ज़्यादातर कॉमिक आपको करते देखा गया है, तो क्या कहना चाहेंगे कि कितना डिफिकल्ट होता है, चैलेंजिंग होता है उस कैरेक्टर में अडैप्ट करना? चैलेंजिंग तो होता है, हर काम चैलेंजिंग है। मतलब उसके लिए तैयारी करते हैं, स्क्रिप्ट देते हैं डायरेक्टर साहब, पढ़ते हैं उसको, फिर वो जैसा थोड़ा स्क्रिप्ट से समझ में आता है, फिर डायरेक्टर साहब जैसा सेट पर हमको निर्देश देते हैं तो उसके उस हिसाब से उसको हम लोग कर देते हैं। सर टेलीविजन और फिल्म तो काफ़ी पुराना मीडियम है, वेब सीरीज एक नया मीडियम क्रिएट हुआ, वो कितना प्रभावशाली आपको लगता है? और आप भी एक वेब सीरीज कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे वो कितना प्रभावशाली है एक्टर मीडियम से? प्रभावशाली क्या मतलब, ये समझ लीजिए कि टीवी मतलब सिनेमा बाहर था, फिर टीवी घर में आ गया, अब समझ लीजिए वो पॉकेट में आ गया, आता जा रहा है वो, तो वो और इतना ही फर्क है। तो स्पेशल कर रहा हूँ, कौन से पर्दे में काम करने से रहा? कोई बात नहीं, पहले बाहर पर्दे में, फिर टीवी पे किया, अभी पॉकेट में भी करेंगे। हमारा काम तो काम करना है, कहीं करवा लो, हमें देखो कहीं भी देखो, अपनी सुविधा के हिसाब से देखो, हमें तो काम करना है, उसके हमें पैसे मिलते हैं, है ना, आपको देखना कहीं भी देखो। अभी वो पॉकेट में है, लेकिन हमारी पॉकेट में आना चाहिए। नहीं नहीं, वो सीधी सी बात है, सीधी सी बात भाई, हमारी रोज भाई हमारी रोजी रोटी तो उसी से चलती है ना। आप अपनी पॉकेट में रखो उसको, देखो अपने घर पे टीवी पे देखिए, आप नहीं, हमें तो काम करना है, चाहे वो आप फिल्म के पर्दे पे जाके देखो जाके। दो तीन फिल्में हैं जो मैंने कंप्लीट की हैं, वो आने वाली हैं इस साल के अपने अप्रैल मई में।